हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ वेरी सिंपल इजी स्किन केयर रूटीन जो आप फटाफट से कर सकते हैं, विद इन एन आवर आराम से हो सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने मेकअप पहले निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद हम ये स्किन केयर रूटीन को फॉलो करेंगे और मैं दिखाऊंगी कि कैसे ईजिली आप ये स्किन केयर रूटीन कर सकते हैं। ये स्किन केयर रूटीन फॉर ब्राइटनिंग स्किन के लिए है, अगर आप अपने चाहते स्किन को ब्राइट करना। तो मैं यहाँ पे पहले यूज़ कर रही हूँ बेबी डव। अब जो बेबी नॉर्मल, अगर आपके पास फेस वॉश मेरे पास जब अवेलेबल नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं ये डव सोपी, और मैं पिछले एक दो महीने से डव सोपी यूज़ कर रही हूँ अपने चेहरे पे, क्योंकि काफ़ी मॉइस्चराइजिंग होता है, सूदिंग होता है। आप ये यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास फेस वॉश नहीं है तो आप डव सोप यूज़ कर सकते हैं, एंड स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग होता है, अगर स्पेशली आपकी अगर ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन भी है तो भी आप इसे यूज़ कर लेंगे। तो मैंने चेहरे को क्लीन कर लिया है और अब मैं ले रही हूँ कर्ड दही। तो ये जो दही है थोड़ा सा थिक है कि इसमें अच्छा पेस्ट बन जाए, और मैं थोड़ा सा टर्मरिक ले रही हूँ। ये दो एजेंट सिर्फ लेंगे, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दो काम करते हैं, स्किन को लाइटन करते हैं और स्किन को ब्राइट करते हैं। तो स्किन में अगर आपका कोई भी कहीं भी डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो थोड़ा आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो स्किन लाइट होती है। तो कर्ड और टर्मरिक दोनों स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग एजेंट हैं, इसलिए मैं ये दोनों यूज़ कर रही हूँ। दोनों को मिक्स कर लेना है एंड हमारा पैक रेडी है, और फिर आप इसे लगा सकते हैं। अगर आप न्यूली वेड भी हैं, अगर आपकी शादी भी होने वाली है, या आप यंगस्टर भी हैं तो भी इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एज वाला इसे ट्राई कर सकता है। तो बस इसको पूरे फेस पे मैंने लगा लिया, गर्दन पे भी लगा लिया है, एंड इसको छोड़ दीजिए एटलीस्ट जब तक ये पूरा सूख ना जाए। तो इसे हाफ एन आवर टू एक घंटे तक आप रख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक सूख गया है और मेरे हाथों पे नहीं लग रहा है। फिर हम इसको धो लेंगे। तो धोने के बाद अब हमारा चेहरा जो है काफ़ी क्लीन, बहुत सिंपल इजी स्किन केयर रूटीन है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये बायोटिक का बायोकुकुम्बर टोनर। टोनर्स जो हमारे पोर्स होते हैं उसको क्लोज करने के लिए होता है, तो बहुत लोगों के पोर्स काफ़ी बड़े और दिखाई देते हैं, तो आप टोनर ज़रूर यूज़ करें जिससे कि पोर्स होते क्लोज हो जाते हैं और उसमें कोई भी डर्ट्स नहीं जाती हैं, जिससे कि कोई भी आपको पिंपल्स वगैरह नहीं होंगे। और अब लास्ट में लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने जितना भी स्किन केयर रूटीन फॉलो किया उसमें सारी भी हमारी स्किन की नेचुरल ऑयल्स चले गए थे, तो हमें स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किन अगर जितनी मॉइस्चराइज आएगी उतनी ही आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स नहीं आएंगे। तो बस आफ्टर मॉइस्चराइजिंग स्किन को ऐसे ही छोड़ दीजिए, और ये है वेरी सिंपल इजी स्किन केयर रूटीन। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।